तो अब ऐसा व्रत के तुम चक्कर खा के नीचे गिरो, आंख में अंधेरा होवे, नहीं ऐसा मत कीजिए, जबरदस्ती मत कीजिए, हट मत कीजिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। माताएं हफ्ते में 6 दिन तो उपवास में ही निकाल देते हैं, फिर तमारा आता है, सो चक्कर खा खा करके गिरती है। अरे इनको निबुआ का पानी दो घोल घोल के, काई को आपत कर रही हो, ज्यादा भूखे रहोगे तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। हाँ, जो ज्यादा भूखे रहते हैं डायबिटीज के तो शिकार बन ही जाते हैं, लेकिन उनका ब्लड प्रेशर नीचे चला जाता है। तो कुछ खाते रहिए। और मैं आप सबको कहना चाहूंगा, जिनके घर में डायबिटीज का मरीज है उनके ऊपर ध्यान दीजिएगा, उनको ठंडी चाय बंद करा दें आज से ही। पहले ठंडी चाय, फिर उसको गर्म कर करके ऑट ऑट के देते रहते हैं, ये सब बीमारी का कारण है, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उनको हल्का सा दीजिए, कुछ खाने को दीजिए, समय पर दीजिए। चलो आपसे नहीं व्रत हो पा रहा है, कोई बात नहीं है, आप खा पी करके कथा सुन। स्पष्ट इस श्लोक में लिखा है, नोपवासो कथा विघ्नम शब्द लिखा है, आपके उपवास करने से और आपको कथा में विघ्न आता है। क्या विघ्न आता है? रोटियां छोड़ दी और स्वास्थ्य खराब हो गया, अस्पताल जाना पड़ा। तो ये देखो पूरी पूरी कथा छूट गई। तो महात्मा जी बड़े समझदार है, कानून बड़ा अच्छा बनाया है, कह दिया आपको दिक्कत है, परेशानी है, भूख नहीं रह सकते, भूख को नहीं रोक सकते हैं, तो खा पी करके कथा सुनिए। सोनक जी ने कहा पुण्य कट जाएगा, पूछा कि फल कट जाएगा, कथा का फल नहीं मिलेगा, तो कहा जो स्वस्थ होकर के उपवास नहीं करते पुण्य तो उनका कटता है, तो मैं दिक्कत में और तुमने अन्न ले लिया है। तो यहां पर बड़ा सुंदर कहा गया है, अच्छा कहा गया है कि आप उस कथा के संपूर्ण फल के भागीदार हैं, लेकिन दिक्कत है तब है, ये नहीं कि मौका मिल जाए चार पराठे खींचने का, दही के संग खींच ही दे, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और पहले लापरवाहियां इतनी की है, स्वास्थ्य बिगड़ गया है, नहीं तो लापरवाही ना करते होते तो इकाई क्यों बिगड़ता। उस समय तो युवान अवस्था में तो लग ही नहीं रहा था कि बूढ़े होंगे, लेकिन वो तो बूढ़े होगा ये धोखे से, पहले ने पता थोड़े ही था कि बूढ़े होंगे। अरे अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखिएगा, ऊट पटांग चीजें मत खाइए, देसी चीजें छोड़िए मत। पूर्व में भी बोल गया हूं, 8 दिन में 1 दिन तो बेसन की सब्जी बनाओ, स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा लाभदायक है। अभी तो चलो ठीक है, आपने चौमासा किया है तो आप पत्तियां वाली सब्जी नहीं खा पा रहे होंगे, लेकिन और दिनों में जिन्होंने चौमासा नहीं किया है वो तो कर ही सकते हैं, ले सकते हैं।